द्विघात समीकरण के अचर गुणांक पता करना। मूलों की प्रकृति के आधार पर किसी द्विघात समीकरण में चर के अचर गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 23। द्विघात समीकरण 9x^2 + 3kx^4 = 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि वर्ग समीकरण के मूल समान है। हल: द्विघात समीकरण 9x^2 + 3kx^4 = 0 की तुलना द्विघात वर्ग समीकरण के मानक रूप ax^2 + bx^c = 0 से करने पर हमें a का मान प्राप्त होता है 9। उसी तरह से b का मान हमें प्राप्त होगा, b के स्थान पे 3k है तो b का मान हमारे पास 3k है, और उसी तरह से c का मान यहाँ पे 4 है। अब हम विभेदक d = इसका सूत्र जानते हैं, b^2 = 4ac। विभेदक d = b^2 = 4ac में मान रखने पर d = क्योंकि हमने b का मान निकाला है 3k, तो 3k और कोष्टक में (2, 4) a का मान है 9 और गुणा c का मान है 4, तो d = 3k^2 को हम लिखेंगे 3k^3k = 9k^2 + 4×9 = 36 + 4 = 144। मूल समान होने पर मूल समान होने पर d = 0 होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि d = 0 है तो d का मान हमारे पास है 9k^2 = 144 = 0 या 9k^2 = 44 का पक्षांतर करेंगे तो 144 धनात्मक में हो जाएगा, या 9 का पक्षांतर करेंगे तो k^2 = 144/9 या k = 144/9 जो है उसको भाग करने पर हमें 16 प्राप्त होगा, और k^2 का पक्षांतर करेंगे तो k का मान हमें प्राप्त होगा (√16)^(-4). इस तरह से हमने k का मान ज्ञात किया, जो कि k = हमने प्राप्त किया (√4)। तो यह इस उदाहरण का हल है। करके देखें, इन वर्ग समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए जिससे वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हों। पहला, 16x^(kx^9) = 0। दूसरा, 3x^(√2)^(8)×x^(k = 0). तीसरा, यदि इन दोनों सवालों में मूल काल्पनिक हों तो k के बारे में हम क्या कह सकते हैं।